ये जो हमारा आज का वीडियो है, ये अभी हम लोग अपने नए लेवल कुछ लाए थे तो उनको चेक कर रहे थे, तो उस चेक करने के दौरान ये मेरे साथ मेरी टीम में बायजू और रिनाल्डो हैं। तो अभी हमने ये एक हमारे पास एक लेवल है जिसमें हम लोगों ने 5 mm का डिफरेंस पाया है, तो इसकी लाइन ऑफ कैलिब्रेशन को हमने एडजस्ट करना है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता चलूँ, ये हमारे पास एक पेपर पर हम लोगों ने इसकी रीडिंग ली हुई है, होल्ड प्लीज़। तो ये हमने दो पॉइंट्स बनाए थे ए और बी के नाम से, तो ये पहले की रीडिंग है और ये सेकंड की, और इनका डिफरेंस ये है, इसी तरह ये और ये, और ये आया 27, ये 22। तो इट्स मीन हमारे जो एलिवेशन में डिफरेंस आ रहा है दोनों में वो 5 mm का है। तो ये 5 mm हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हमने इसकी लाइन ऑफ कैलिब्रेशन को एडजस्ट करना है। तो वो कैसे एडजस्ट करेंगे वो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि बता सकूँ। तो उसके लिए क्या है कि आप इसको एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करेंगे तो ये खुल जाएगा, पिन पिन ये हम कैमरा आउट करो, ओके आई विल शो। तो यहाँ पे ये पिन है, तो अगर आप देख सकें तो मैं इसको ये इसकी लाइन ऑफ कैलिब्रेशन को एडजस्ट करूँगा। ये हमारा जो एरर आया ये 5 mm में हाई में आया है, तो मैं इसको लाइन ऑफ कैलिब्रेशन को थोड़ा सा अप करूँगा, फोकस करना। सो 1 2 1 2 3 1 शुड बी 1 2 3 3। How much before reading? Because if higher, higher by 5, so make it higher again. Look, how much for reading? 1.231 should be 1.233. Okay, this 1 2 4. Yeah. 1 2 3 4. Check. Check. Last one. This is okay, check first. Plus minus 3, no problem. After we check. 1.236 here. Or 235. You check also. So that makes sure. It's okay. We hold the camera. It's 5. So, अभी हम लोग इसको लेवल को दोनों रीडिंग पढ़ने के बाद हम लोग दोबारा इसको नेक्स्ट पॉइंट पे शिफ्ट करेंगे और दोबारा इसका क्रॉस चेक करेंगे कि ये कितना इसमें डिफरेंस बाकी रह गया है। बस स्टिल 1 2 5 ही था, ओके ये ठीक ना आई, तो इसको थोड़ा सा टच करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, ओके हम ये लेवल को अभी दूसरे ट्राईपॉड के ऊपर मूव करेंगे। नाउ यू रिप्लेस इन द सेंटर, रे कम ये सेम इसको एडजस्टमेंट मैंने पहले वीडियो में ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है कि टोटल स्टेशन की वजह से ये साइडों से आप दो ये स्क्रू को अंदर और बाहर की तरफ से एडजस्ट करेंगे, और जो आपके वाई एक्सिस में है उसमें सिर्फ ये सामने का स्क्रू जो है वो यूज़ होगा। सेम टोटल स्टेशन की तरह आप इसके स्क्रू को दो को अंदर की तरफ या बाहर की तरफ आप इसको एडजस्ट करेंगे।
So that is the aim. बबल चेक करो बबल। 1262 2 milli. Well, that is plus minus 3 milli tolerance. That means okay. That is plus 2 mm. Plus 2 mm. Okay, the yeah. Error is, mean error is plus 2 mm. Plus 0.02. I know. 002. 002. This is okay. ओके ये अभी हमारा लाइन ऑफ कैलिब्रेशन को एडजस्ट करने के बाद जो एरर रह गया है वो प्लस 2 mm रह गया है जो कि हमारे काम के हिसाब से ओके है। तो ये हमारी फील्ड बुक के ऊपर आप देख सकते हैं कि नई रीडिंग्स है जो हमने दोबारा एडजस्ट की। इसमें मेन चीज़ यही है कि अगर आपका डिफरेंस जो है वो प्लस में आ रहा है तो अपने लाइन ऑफ कैलिब्रेशन को प्लस में करना है, और अगर माइनस में आया तो उसको आप माइनस में एडजस्ट करेंगे। तो इस वीडियो के लिए अपना ही, ये मेरे साथ रहे थे जिन्होंने मेरा साथ दिया, और ये बायजू, और ओके क्लोज इट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आप मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं कोशिश करता हूँ कि डेली बेसिस पे कोई ना कोई ऐसी वीडियोस लाता रहूँ, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।